नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max वर्सेस Vivo Y51a का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 6.48 इंच जबकि Vivo Y51a में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 3 इंच जबकि Vivo Y51a में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro Max में 0.32 इंच जबकि Vivo Y51a में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro Max में 192 ग्राम जबकि Vivo Y51a में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में सुपर AMOLED जबकि Vivo Y51a में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Redmi Note 10 Pro Max में 20:9 जबकि Vivo Y51a में 21:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 6.67 इंचेस जबकि Vivo Y51a में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 10 Pro Max में 1080x2400 और Vivo Y51a में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro Max में 85.8% जबकि Vivo Y51a में 84.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 Pro Max में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y51a में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y51a की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y51a की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo Y51a में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में Adreno 618 जबकि Vivo Y51a में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 732G और Vivo Y51a में Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में अप टू 512GB जबकि Vivo Y51a में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Pro Max में 5020mAh जबकि Vivo Y51a में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 3 कलर्स जबकि Vivo Y51M में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro Max में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹21,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo Y51 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,990, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹17,790 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro Max आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 Pro Max आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Pro Max आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, जो कि ₹12,999 में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है, जो कि ₹12,499 में मिलता है। तीसरा Asus ROG Phone 3 है, जो कि ₹45,999 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है, जो कि ₹12,499 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।